देखो भाई फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है ना, तो देखो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स से फेमिलियर हो जाते हैं, जो टर्म्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ना। तो सबसे पहले तो देखो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन, इसका क्या मतलब होता है, ये सिंपल है, मेरे ख्याल से नाम ही सजेस्ट कर रहा है। तो देखो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सर्फेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। इसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं, फिर अपना है फील्ड इमिशन और जो हम पढ़ने वाले वो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो थर्मियोनिक इमिशन का मतलब क्या है, हम टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि जो एटम्स है जो बाउंड करके रखा है ना, जो एटम है न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखा है, वो उसे छोड़ देता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। समझ में आया क्या? अरे थर्मल एनर्जी होती है ना, उससे भी तो वाइब्रेशन बढ़ते हैं। तो अगर तुम टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा दो कि इलेक्ट्रॉन जो उसकी फील्ड है उससे बाहर निकल जाए, तो इसको हम बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। इस तरह का इमिशन हम कहाँ पढ़ेंगे? एक्स रेज में हम इसको यूज़ करते हैं। फील्ड इमिशन मतलब क्या होता है, जैसे कैपेसिटर प्लेट्स होती है, पढ़ लिया है क्या? तो उसके बीच में अगर हम कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कर दें, ठीक है, मतलब उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, इतना ज़्यादा हो जाए कि डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आ जाए। डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पढ़ लिया, जब एयर भी कंडक्ट करने लगती है तो उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के नेगेटिव प्लेट पे जाने लगते हैं, जबकि बीच में एयर है, मतलब एयर भी कंडक्ट करने लगी, उसको बोलते हैं डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो वो होता है तुम्हारा फील्ड इमिशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी कि अब एयर भी कंडक्ट करने लगी इलेक्ट्रॉन्स को। समझ में आया क्या? तो इसका एग्जांपल है डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। जो स्पार्क्स देखते हो इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का एग्जांपल है। और वो याद रखना स्पार्क्स हमेशा शार्प पॉइंट्स पे होते हैं। यस सर, कोरोना डिस्चार्ज। हाँ, क्योंकि सिग्मा 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। वो अभी तुम पढ़ोगे? हाँ, वो भी पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लिया। तो ये एक्सरेज में पढ़ेंगे, ये तुम पढ़ चुके हो। अब ये हम अभी पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसका मतलब क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का, कि ये मेटेलिक सर्फेस है ना, ये एक्सपेरिमेंट 1900 से जस्ट पहले हुआ था ना, 1900 से पहले हुआ था, थोड़ा सा 19th सेंचुरी के एंड में। लिनर्ड करके एक साइंटिस्ट था, उन्होंने करा था। तो वो कुछ और कर रहे थे, करना तो कुछ चाह रहे थे, पता नहीं क्या चाह रहे थे, पर ऐसे एक्सपेरिमेंट में हुआ था कि जब हम इस पर लाइट गिराते हैं ना, हाई एनर्जी की लाइट गिराते हैं, हम क्या कर रहे हैं, लाइट गिरा रहे हैं, हम गिराते हैं लाइट है और बाहर क्या निकलते हैं उससे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, मतलब तुम फोटोन्स गिरा रहे हो ना, तुम लाइट गिरा रहे हो और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। समझ में आया क्या? तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। ये कोई नए तरह के इलेक्ट्रॉन नहीं है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स ही है, बस फोटोन गिराने के कारण निकले, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है ना, तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इनके कारण जो करंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है क्या? तो जब तीन तरीके आप क्लियर है, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के तीन तरीके हैं, टेम्परेचर बढ़ा दो, डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर दो, नहीं तो फोटोन्स गिरा दो। तो इंटरेस्टिंग बात ये कि लिनर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट करा था और उसको एक्सप्लेन नहीं करा, इसमें जो रिजल्ट आए थे ना वो मैं बताऊंगा, है ना, वो तीन फेलियर जो थे क्लासिकल थ्योरी के वो भी बताऊंगा जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये बहुत टाइम तक रहता है ना, मैंने बताया था शायद तुमको, लिनर्ड जो था वो ये भी जर्मन साइंटिस्ट था और आइंस्टाइन भी जर्मन साइंटिस्ट था, कंटेम्परेरी थे, और दोनों एक दूसरे के राइवलरी थे ना, राइवलरी साइंटिस्ट थे ना। तो एक्सपेरिमेंट लिनर्ड ने करा था, एक्सप्लेन किसने करा, 1905 में आइंस्टाइन ने, और आइंस्टाइन ने चार पेपर पब्लिश करे थे, चारों बहुत शानदार थे, और आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला इसी के कारण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। तो जो एक्सपेरिमेंट लिनर्ड ने करा उसके लिए उसके राइवल को ही नोबेल प्राइज मिल गया, तो ये एक बहुत बड़ी डिफीट थी लिनर्ड की। और लिनर्ड वॉज लाइक वो कौन होते थे, नाजी सपोर्टर है ना, तो उसने हाथ मिला लिया था भाई हिटलर के साथ। ठीक है, तो पढ़ाई फिर फॉरमन फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में समझ में आ गया ना, क्या पढ़ने वाले हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है सबसे पहले, तो ना कुछ और टर्म्स से हमको फेमिलियर होना है। वर्क फंक्शन इसको हम फाइ से डिनोट करते हैं ना, ये क्या बोलना जरा, कहना क्या चाहते हो? एनर्जी नीडेड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द, चलो देखो, इट इज द मिनिमम एनर्जी ए फोटोन मस्ट हैव टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। मतलब ऐसा नहीं है तुमने कितनी भी कम एनर्जी का फोटोन गिरा दिया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तुमने कहा था हम तो नॉर्मल टॉर्च डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, है ना, तुमने टॉर्च जला दी मेटल के ऊपर, ये मेटल है, बहुत सारे मेटल है हमारे पास, टॉर्च जला दी सर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहे, तो ऐसा नहीं है ना। तो एक मिनिमम एनर्जी होती है फोटोन के पास, एटलीस्ट उतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। मतलब मान लो ये है, हर एक मेटल का वर्क फंक्शन होता है, क्या होता है वर्क फंक्शन, किस पे डिपेंड करता है, लिख लेना, फाई डिपेंड्स ऑन मेटल्स, मटेरियल ऑफ द मेटल्स, है ना, लिख लेना मटेरियल ऑफ द, मतलब अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा वर्क फंक्शन। तो ये कि भाई तुम्हें मिनिमम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो मान लो हमने फोटोन्स गिराए, है ना, हमने फोटोन्स गिराए और फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी तो न्यू, अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी है न्यू तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू, तो भाई ये कितनी एनर्जी लेके आया,
एच न्यू एनर्जी लेके आया और जब ये इस पे गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, समझ में आ रहा है ना। ये गिरा तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, माना इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है के, तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है इस केस में, तो समझो याद रखना ये एच न्यू एनर्जी लेके आया है, ये पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं मिलेगी, समझ में आया। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने कहा कि भाई ये समझो प्लेट की भी एक रिक्वायरमेंट होती है, प्लेट बोलती है और मान लो फाई तुम्हारा 5 मिली जूल है, तो भाई प्लेट बोलेगी भाई मिनिमम मुझे 5 मिली जूल एनर्जी तो चाहिए, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो पहले मुझे 5 मिली जूल एनर्जी दो, समझ में आया। तो जो फाई है वो प्लेट की रिक्वायरमेंट है, अगर तुम्हें उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो सबसे पहले प्लेट को 5 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है। वर्क फंक्शन क्या है, तुम्हें इतनी एनर्जी तो किसको देनी पड़ेगी, प्लेट, वो एनर्जी प्लेट अपने पास रखेगी, समझ में आया। तो अगर तुम 5/2 एनर्जी लेके आओगे, 5/2 एनर्जी वाला फोटोन निकाल पाएगा क्या बाहर, नहीं, क्योंकि मिनिमम एनर्जी इसको कितनी चाहिए, 5 चाहिए, बिना इसके नहीं निकलेगा। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है बताओ, एच न्यू ये कितनी लेके आया, एच न्यू, प्लेट ने कितनी रख ली, 5, बची कितनी, एच न्यू माइनस 5 बची ना। फिर से सुनो भाई, फोटोन था न्यू फ्रीक्वेंसी का, अरे भाई फ्रीक्वेंसी होती है हर एक लाइट की, रेड की अलग होगी, अल्ट्रा वायलेट की अलग होगी, एक्सरे, भाई सब लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो तुमने लाइट डाली न्यू फ्रीक्वेंसी की, फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, एच न्यू। अब ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लो और बाहर निकल जाए, नहीं, प्लेट बोलती है उसको कुछ एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी कितनी है, 5। तो भाई ये तो लेके आया था एच न्यू, फोटोन तो लेके आया था एच न्यू, पर प्लेट ने अपने पास कितनी रख ली, 5, बची कितनी, एच न्यू माइनस 5, ये मैक्सिमम एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, समझ में आएगा। तो लिख लो भाई सब, ये इक्वेशन याद रखनी है, हाँ, के मैक्स काइनेटिक एनर्जी बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, क्या क्या बता रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अब एक चीज और देखो, है ना, अच्छा पहले तो इसको बताओ, चलो एग्जांपल देते हैं, इसको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं ना, कभी आ जाए नाम भी याद रख लो, क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन ने दी थी, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल बताओ, मान लो ये प्लेट है, इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तुमने फोटोन गिराया, मान लो एक फोटोन गिराया, उसकी एनर्जी थी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है बताओ, वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तुमने फोटोन गिराया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो इसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लेट ने रख दी, बची कितनी, 2, तो कितना आ जाएगा के मैक्स, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ में आया क्या। हाँ ये समझ लो, बिल्कुल बिल्कुल, उससे बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना वो होती है, बिल्कुल मेटल से बाहर निकालने के लिए, हो सकती है, नहीं फाई के बारे में बात कर रहे हो ना, फाई जीरो नहीं होती है। मान लो इसका वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पे मैंने फोटोन गिराया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो बताओ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, समझ में आ गया, निकलेगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नहीं, नो एमिशन, बाहर ही नहीं आएगा, वही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा इस केस में, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम कितनी चाहिए थी, 5, तुम कितनी लेके आ रहे हो, 2, तो कोई एमिशन नहीं होगा, समझ में आ गया। मान लो एग्जांपल लिखो एक और, मान लो वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक फोटोन आया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और एक और फोटोन आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अब बताओ इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितनी एनर्जी से निकलेगा, क्या इलेक्ट्रॉन 0 एनर्जी से निकलेगा, निकलेगा ही नहीं, नो एमिशन, और 0 एनर्जी से निकलने दोनों में फर्क होता है, 0 एनर्जी से निकलना मतलब निकला पर रेस्ट पे निकला, पर निकल तो गया, इस केस में निकल ही नहीं पाएगा बाहर, क्यों नहीं निकलेगा याद रखना, फोटोन बोला ना लाइट को क्या माने, हमने माना है फोटोन्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तो एब्जॉर्ब करेगा तो पूरा करेगा, ऐसा नहीं कि एक इससे ले ली, इससे ले ली, इससे ले ली, ऐसा अलाउड नहीं होता, एक फोटोन कभी अपनी एनर्जी आधी भी नहीं देता, वो देगा तो पूरी देगा वरना नहीं देगा, ऐसा नहीं है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तुमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख लेते बाकी छोड़ दो, नहीं, देगा तो पूरी देगा वरना कुछ नहीं देगा, और एक ही से एब्जॉर्ब करेगा, दो को नहीं करेगा, ये रूल्स हैं, ठीक है क्या। अब एक चीज और नोटिस करो यहाँ पे, मैंने इसको क्या बोला, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, इसको काइनेटिक एनर्जी नहीं बोला, मतलब मान लो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आया और फाई कितना है, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मतलब जरूरी नहीं है हर एक इलेक्ट्रॉन की 7 हो जाए, किसी मान लो एक इलेक्ट्रॉन है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके निकल गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन की मान लो रेस्ट पे ही है, कोई एनर्जी नहीं है उसके पास, समझ में आया गया। तो ये मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की, पर अगर तुम सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के मैक्स से कम होगी या बराबर होगी और जीरो से, तो बाकी सबकी एनर्जी इस रेंज में आती है, हर एक इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम एनर्जी नहीं मिलती, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएगी मैक्सिमम एनर्जी, समझ में आया, बाकी सबकी एनर्जी क्या होगी, किसी की 0 होगी, किसी की 1, 2, 3, 2.5, 2.1, 2.001, इस रेंज में कहीं ना कहीं लाई करेगी, आया के समझ में। अब ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा इसलिए होता है कि मान लो भाई फोटोन अंदर गया, मान लो भाई फोटोन अंदर गया, फोटोन ने भाई प्लेट को दे दिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो, तो इलेक्ट्रॉन भाई 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर निकल रहा था, समझ में आया,
फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आया, प्लेट ने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपना ले लिया, प्लेट ने कहा भाई मेरी तरफ से इलेक्ट्रॉन को ले जाओ, इलेक्ट्रॉन कितने से निकलने की कोशिश कर रहा है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, पर निकलने ही वाला था इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, पर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। मान लो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा के उसने अपनी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लूज कर दी, कितनी बची उसके पास 5, तो अब वो 5 से बाहर निकलना, हो सकता है वो 5 से बाहर निकल जाए तो एनर्जी 5 हो गई, हो सकता है भाई 5 से बाहर निकल रहा था फिर किसी से टकरा जाए और उसने मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज कर दी, कितनी बची 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर निकल जाए, हो सकता है भाई वो बाहर निकल रहा था उससे पहले किसी और से टकरा गया और टकरा के उसने पूरी एनर्जी लूज कर दी और बाहर ही नहीं निकला। तो भाई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है इसका मतलब है मैक्सिमम एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, समझ में आ रहा है? पर हर एक 7 से नहीं निकलेगा बाहर, कुछ बीच में एनर्जी लूज कर देंगे, समझ में आया? तो कोई 6 से बाहर निकल सकता है क्या? ये पॉसिबिलिटी है क्या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर निकल जाए? ये है क्या? क्या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर निकले इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबिलिटी है? क्या 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर निकले, ये पॉसिबिलिटी है? के मैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता। 0 से बाहर निकले, ये पॉसिबिलिटी है क्या? भारी ना निकले, ये पॉसिबिलिटी है क्या? ये भी है। और असलियत यही होती है, अभी इस सिचुएशन में जब 1000 फोटॉन्स गिरते हैं तब जाके एकाध इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाता है, समझ में आया? असलियत में अभी समझो अब तो सारे कैपेबल है, क्या वर्क फंक्शन से ज्यादा है फोटोन की एनर्जी? तो क्या सभी कैपेबल है बाहर निकालने के? हाँ, जब सब कैपेबल है तब भी नहीं निकाल पाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलते बहुत सारे कॉलिजन होते हैं और एनर्जी लूज कर देते हैं, तो बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर निकल पाते हैं, ये समझ में आया क्या? तो अभी भी अब ये सारे के सारे फोटॉन्स देख रहे हो कितने ज्यादा कैपेबल है निकालने के, फिर भी इनकी अगर तुम एफिशिएंसी निकालोगे तो बहुत कम निकल गई, कुछ ऐसा निकल के आया भाई कि 10,000 में से एक बाहर निकल रहा है या 1,000 में से एक बाहर निकल रहा है, इतनी कम एफिशिएंसी निकल के आती है। ये चीज क्लियर है क्या? इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक ईल्ड, लिखो फोटो इलेक्ट्रिक ईल्ड।